कक्षा 11वीं किस्म पाली आपके यहाँ बहुत ही साहस कहने फिजिक्स का वार्षिक पृथ्वी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि फिजिक्स का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर फिजिक्स पेपर आ चुका। साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, साथ ही आप यहाँ पर देख ली कक्षा 11वीं वार्षिक पृथ्वी 2023, ठीक है। फिजिक्स आपका बहुत ही साहस का पेपर है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। फाइनली पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका है और हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पेपर कराने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए सुन, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही पेपर चुनकर लिखी 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो आपका आता है 365 FNU, और आपका बात आता है 3×10 की, ठीक है, 3×10 की घात 5 मीटर, और फिर आपका यहाँ पर आता 9.46×10^15 मीटर, और दाता 1.5×10^11 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 9.46×10^15 मीटर। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा, तो आपका आता, ठीक है, मॉड ए प्लस बी, और फिर आपका बात था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पर साता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर आपका यहाँ पर दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका आता उस पर परिणामी बल 0 है, और बात है उसमें कोई त्वरण नहीं है, और दाता दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो आपका यहाँ पर एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा दोनों कथन, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो आपका यहाँ पर आता किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बात है किलोग्राम स्क्वायर मीटर, फिर आपका साधा किलोग्राम मीटर की, ठीक है, मीटर की घात -2, फिर आपका यहाँ पर दाता किलोग्राम मीटर। तो जो आपका यहाँ पर दिए जड़त आघूर्ण का ऐसी मात्रा है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा किलोग्राम मीटर। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुत्ती द्रोण का मान 0 हो जाएगा, तो आपका आता आर, और बात आर बट में 2, और साता अनंत पर, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुत्ती द्रोण का मान 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अनंत पर। फिर आपका यहाँ पर छवा आता साधारण द्रवों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है, तो यहाँ पर साधारण द्रवों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है, ठीक, कम आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका सीक्रेट आंसर रहने वाला है, फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है दूसरा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो इसका आपके यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका तीसरा आता है तो तीसरे का रहेगा आपके यहाँ पर सीक्रेट आंसर, और चौथे का रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है, चौथे का आपके यहाँ पर डीक्रेट आंसर रहने वाला है, और जो आपका पाँचवा आता है तो पाँचवें का रहेगा आपके यहाँ पर सीक्रेट आंसर, और जो आपका छवां आता है छवें का आपका यहाँ पर रहेगा एक रेट आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए गए थे सही विकल्प हमने करा दिए और आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एरिक्स इस समय पूर्ति कीजिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तक किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन डॉट डॉट घन मीटर के बराबर है, तो यहाँ पर किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन 10^-6 घन मीटर के बराबर है, तो आपका पहले का आंसर रहेगा 10^-6। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी डॉट डॉट होगी, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, ठीक है, 2h होगी, तो 2h आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा, न्यूटन की गति के डॉट डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा प्रथम, ठीक है, प्रथम नियम आपके यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से, ठीक है, ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा या अधिक, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ, आप यहाँ पर, ठीक है, अधिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, आप अधिक भी लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ पर आता, ठीक है, पाँचवा, एक, ठीक है, एक अंग क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली प्रत्ययन बल को डॉट डॉट कहते हैं, तो यहाँ पर एक अंग क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली प्रत्ययन, ठीक है, प्रत्ययन बल को लॉरेंज बल कहते हैं, तो आपके यहाँ पर पाँचवें का आंसर है लॉरेंज बल, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर छवां, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक
ठीक है उत्पाद, ठीक है आप यहाँ पर उत्थापक कोटोडो प्रभाव कहते हैं। तो छवें का आंसर रहेगा आपका मैग्नस, ठीक है मैग्नस आपका छवें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए पहले का आंसर आपका 10 के द्रव्यमान 6 और दूसरे का आंसर आपका 2H और तीसरे का आंसर आपका प्रथम नियम और चौथे का आंसर आपका ज़्यादा या अधिक है और पाँचवें का आंसर लॉरेंज बल और छवें का आंसर आपका मैग्नस, ठीक है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर सॉरी जो इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट वो देख लीजिए फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 6 फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आती हैं आपकी सहजोड़ी बनाकर लिखिए आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आवाप में दी सहजोड़ी। तो ये आपकी पहली आती है यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर आर इंटू, ठीक है आप यहाँ पर आपको यानी ऐप से मैच कर देना है। जो आपकी पहली वाली वो आपको ऐप से मैच करना है। फिर दूसरी आती बल का आवेग, तो बल का आवेग आपको यहाँ मैच करना न्यूटन सेकंड से, ये आपके यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती जूल सेकंड, तो जूल सेकंड को मैच करना आपको कोणीय संवेग से, ठीक है ये आपके यहाँ पर तीसरी जाएगी। फिर जो चौथी आती क्वार्टज, तो जो आपकी क्वार्टज आती है इसको मैच करना आपको पूर्ण प्रत्यास्थ से, ये आपकी रहेगी चौथी। और पाँचवीं आती बीन का नियम, तो ये आपको यहाँ पर लैम्डा एम इंटू टी बराबर नीतांक, ये आपके यहाँ पर पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है सर्वाधिक गैस नीतांक, तो इसको आपको यहाँ पर 8.314 जूल, ठीक है जूल प्रति मोल के से मैच करना है, ये आपकी छवीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी कराई है, तो उस तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस बात में, ठीक है इस बात में उत्तर लिखिए आपके यहाँ पर 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता जिसमें आप यहाँ पर दें नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा शून्य, ठीक है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा था किसी तरह से एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर आपका एक है बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ये आपका यहाँ पर ठीक है आपके यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में आपके यहाँ पर एक अंक सदस्य हो जाता है एक के बराबर, ठीक है आप यहाँ पर देखते हैं ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। फिर जो आपके यहाँ पर आता है शक्ति का ऐसे मत ऐसे मतक लिखिए, तो शक्ति का ऐसे मतक होता है बॉट, ठीक है तीसरे का आंसर आपका बॉट हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है वाई बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुत्ती वाला अंगूर शून्य क्या कहलाता है, तो चौथे का आंसर रहेगा गुत्ती केंद्र, ठीक गुरुत्वीय केंद्र आपका चौथे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल अगुण शून्य गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। फिर आपका पांचवा था वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है पाँचवें का आंसर आपका प्रत्यास्थ बहुलक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर एक बात होता है सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका शून्य, फिर दूसरे का आंसर आपका एक बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और तीसरे का आंसर आपका बॉट और चौथे का आंसर आपका गुरुत्वीय केंद्र और पांचवें का आंसर आपका प्रत्यास्थ बहुलक। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जड़ आगमन बढ़ावा द्रव्यमान गुणे वेग, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। फिर आपका दूसरा विकृति विवाहन राशि है, तो दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। फिर तीसरा आता है फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान शून्य होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आपका आता है -273 डिग्री सेल्सियस ताप आदर्श गैस के अणु की चाल शून्य होती है, तो चौथा आपका रहेगा सत्य। और पांचवा था गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो पांचवा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। कंप्लीट फिर से देख लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा और दूसरा रहेगा सत्य और तीसरा भी रहेगा आपका सत्य और चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है आपका क्वेश्चन 6 आता है कर व विकृति का विमीय सूत्र मात्र लिखिए, फिर अथवा आता है विमीय विश्लेषण के दो सीमा लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन की स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम लिखिए, अथवा आता है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। फिर आपका आठवां आता है एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है आवेग क्या इसका ऐसे मात्रक लिखिए। फिर आपका यहाँ पर नौवां आता है संवेग संरक्षण नियम लिखिए, अथवा आता आपका यहाँ पर मोटर, ठीक है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुक लेता है क्यों। फिर आपका यहाँ पर दसवां आता स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको दो अंतर लिखना कोई दो, अथवा आता ग्रह गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका ग्यारहवां था प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों, अथवा आता समतापी तथा रुद्ध प्रक्रम में कोई दो अंतर लिखिए। सभी के आंसर हम बताने वाले, पहले आप इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका बारहवां क्वेश्चन आता गैस के
अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है, फिर आपका अर्थ होता है चार्ल्स का नियम लिखिए, फिर आपका तीर्मा था तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, फिर आपका अर्थ होता है लुढ़क वाली गाड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, फिर आपका चौदहवां था भौतिक समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की सूत्र की जाँच कीजिए, फिर इसका अर्थ देख लीजिए ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीन शॉट ले चलिए, फिर पंद्रवा था कोई बाइक है 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति आप ज्ञात कीजिए, तो आपको बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात करना है, इसका अर्थ देख लीजिए पंद्रह का ठीक है, फिर आपका सोलमा था किसी गति में वस्तु के संवेग व गति ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए अथवा तक कोणीय संवेग एवं बल आगुण में संबंध स्थापित कीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए अथवा आता धारा लिखी प्रवाह एवं प्रसिद्ध प्रवाह में चार अंतर लिखिए, फिर आपका 18वां था बर्नौली के सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए अथवा था अनुप्रस्थ एवं अनुदेह तरंगों में कोई चार अंतर लिखिए, फिर आपको 19वां था प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षितिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षितिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो, इसका अथवा था अथवा देख लीजिए। फाइनली फिर आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, तो पूरा पेपर हमने करा दिया और साथ ही सुन जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।